170 साल पहले मुंबई और ठाणे के बीच चली पहली ट्रेन को लेकर लोगों में शायद ऐसे ही खुशी और उत्साह रहा होगा जैसे दीवानगी लोगों में गोरखपुर से लखनऊ के बीच शुरू हुई वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर नजर आई है। ट्रेन में बैठे यात्रियों से लेकर रूट के स्टेशनों पर ट्रेन को देखने वालों की आंखों की चमक, जोश और जज्बा देखने लायक था। बारिश के बीच स्टेशन पर लोग तेज रफ्तार ट्रेन को आंखों के सामने से गुजरते देखने के लिए ट्रैक के किनारे अड़े रहे। ऐसा हर्षोल्लास का माहौल तो देश की पहली कारपोरेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस और काशी महाकाल एक्सप्रेस के शुभारंभ पर भी नहीं दिखा होगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर को पहली वंदे भारत की सौगात दी है और पीएम ने वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि यह वंदे भारत एक्सप्रेस गोरखपुर से अयोध्या बस्ती होते हुए लखनऊ के रूट पर चलेगी। तो वहीं वंदे भारत एक्सप्रेस ने भारतीय रेलवे की तस्वीर बदल कर रख दी है। ये कहना है भारतीय रेलवे के चेयरमैन और सीईओ अनिल कुमार लाहोटी का। साथ ही वंदे भारत ट्रेन में क्या कुछ खास है व इससे जुड़ी सुविधाओं के बारे में बताते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। जो इस रूट पर हमारी जो फास्टेस्ट ट्रेन है उसके कंपैरिजन में लगभग 2 घंटे का समय बचत करेगी और इसके टाइमिंग भी बहुत कन्वीनियंट है। ये ट्रेन सुबह 6:05 पर गोरखपुर से चलेगी और 10:20 पर लखनऊ पहुंचती है। शाम को 7:15 लखनऊ से चल के रात को वापस गोरखपुर आ जाती है। इट विल सेव अबाउट 2 आवर्स कम्पेयर टू दी फास्टेस्ट ट्रेन ऑन दिस रूट। तो वहीं इस दौरान गोरखपुर के स्कूली बच्चों ने भी इस ट्रेन के पहले सफर का लुत्फ उठाया और पीएम मोदी से मुलाकात की। इस बीच छात्र व छात्राएं काफी खुश और उत्साहित दिखे। आप भी देखिए छात्रों ने अपने एक्सपीरियंस को साझा करते हुए क्या कहा। हमें बहुत अच्छा लग रहा है इस ट्रेन में सफर करते हुए और हम बता नहीं सकते हम कितने खुश हैं और प्रधानमंत्री से मिले और हमें ये मौका मिला कि हम इसकी पहली यात्रा कर रहे हैं। हम अपनी खुशी शब्दों में तो बयान नहीं कर सकते लेकिन प्रधानमंत्री से मिलने के बाद हम बहुत खुश हैं और हमें खुद ये नहीं पता था खुद 1 महीने पहले कि हमें ये मौका मिलेगा। पता नहीं किस्मत चमकी और हमें आया। बहुत अच्छा लग रहा था। पीएम सर हमारे साथ बहुत फ्रैंक थे और उन्होंने हमसे अच्छे क्वेश्चंस किए कि तुम लोग को कोई दिक्कत तो नहीं हो, तुम लोग को सारी फैसिलिटीज़ मिली। हम लोग को बहुत अच्छा लगा उन्होंने हमसे ऐसे क्वेश्चंस किए और उन्होंने हमारा ख्याल रखा और उन्होंने काफ़ी फन सा माहौल बनाया था। वो बच्चों से काफ़ी अच्छे से बात कर रहे थे। वो हमें बहुत अच्छा लगा उनकी झलक पा के क्योंकि हम उन्हें बचपन से सिर्फ टीवी में ही देख रहे हैं और वो इतने टाइम से प्रधानमंत्री हैं। हम बहुत गौरवान्वित भी हैं क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगा था उनसे मिलकर क्योंकि उनके रहते देश में कितनी तरक्की हुई है। पीएम ने हम लोगों को सबसे आगे ग्रीट करा, हम लोगों से कहा कि हम लोग कितनी देर से यहाँ पे बैठे हुए हैं और उसके बाद हम लोगों से खाना पीना पूछा, कुछ खिलाया पिलाया गया है कि नहीं और एकदम परिवार के सदस्य जैसे वो बहुत फ्रेंडली तरीके से हम लोगों से मिल रहे थे जो बहुत अच्छा लग रहा था। और जैसे अपनी प्रेरणा को साक्षात हम लोग देख रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था हम लोगों को यहाँ पे बैठ कर। बहरहाल पीएम मोदी की वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात गोरखपुर की जनता को तो खूब पसंद आई। तो फिलहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बाकी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इंडिया पब्लिक खबर और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।